नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। रविवार को देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन का समाचार सुनते ही पूरा देश शोकाकुल हो गया है। लता के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। लता के निधन पर राजनीतिक हस्तियों से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक या गाड़ियों की रैली और जुलूस निकालने पर पाबंदी जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस नोटिस जारी करके इसकी जानकारी दी है। हालांकि आयोग ने इंडोर हॉल में पब्लिक फिजिकल मीटिंग और आउटडोर मीटिंग्स के लिए कुछ रियायतें दी हैं। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,07,474 नए केस सामने आए हैं और 885 मरीजों की जान गई है, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोगों ने रिकवरी की है। देश में सक्रिय मामले अब 2.9% पहुंच गए हैं। सक्रिय मामले अब 12,25,011 तक पहुंच गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि अब तक 169 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की खुराक दी जा चुकी है। भारत की युवा टीम ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में अपने प्रदर्शन से एक बार फिर से पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। भारतीय टीम ने 14 में से 9वीं बार फाइनल खेलते हुए रिकॉर्ड 5वां खिताब अपने नाम दर्ज किया है। टीम इंडिया ने शनिवार रात एंटीगा में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 14 रन शेष रहते हुए 6 विकेट से रौंद दिया। टीम के इस प्रदर्शन से पूरा देश गदगद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर कोई टीम के प्रदर्शन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में चुनावी महापर्व का अपना एक महत्व है। अपनी निर्वाचित सरकार के कार्यों के मूल्यांकन का, अपने प्रतिनिधियों के रिपोर्ट कार्ड तय करने का और अपने बहुमूल्य वोट को अलग हकदार चुनाव करने का यह उपयुक्त समय होता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इस बार नोएडा विधानसभा सीट से युवा कार्यकर्ता पंकज आवाना को चेहरा बनाया है। आने वाले कुछ महीने में इलेक्ट्रिक गाड़ियां 30% तक सस्ती हो सकती है। आम बजट में बैटरी स्वैपिंग, अदला बदली के ऐलान के बाद केंद्र सरकार टैक्स में छूट समेत कई अन्य रियायतें देने पर विचार कर रही है। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को बढ़ावा देने के मकसद में बैटरी की कीमत सबसे बड़ी अड़चन रही है। इसका बड़ा हिस्सा गाड़ी की कुल कीमत में 30-40% होता है। अब बैटरी स्वैपिंग व्यवस्था से गाड़ी में से बैटरी की कीमत हट जाएगी, यानी कि वाहन लेते समय गाड़ी की कीमत ही देनी होगी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को चीन के संघर्ष में शहीद हुए बिहार के नायक दीपक सिंह को 23 साल की पत्नी रेखा देवी ने भी अपने पति की राह पर चलने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश की रीवा की रहने वाली रेखा देवी ने सेना में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा पास कर ली है। वो सेना में अधिकारी के रूप में सेवाएं देंगी। शहीद दीपक सिंह बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन में नायक थे। वो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को खदेड़ने के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बीते साल नवंबर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से भी सम्मानित किया था। परिसीमन आयोग ने अपनी दूसरी मसौदा रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा कश्मीर संभाग में बड़े पैमाने पर बदलाव दिए गए हैं। इसे केंद्र शासित प्रदेश में 5 सहयोगी सदस्य को उनके सुझाव के लिए सौंपा गया है। अनंतनाग संसदीय सीट से पूर्ण निर्धारण प्रस्ताव के तहत अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि विस्तृत रिपोर्ट में जम्मू संभाग में राजौरी और पूंछ को शामिल करके अनंतनाग संसदीय सीट से पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शीतलहर का सामना कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को देश के करीब 16% जिलों की 24% आबादी आज शीतलहर की मार झेलेगी। यूपी में 75, राजस्थान के 17, बिहार के 14 और झारखंड और पंजाब में 1-1 जिले कोल्ड वेव की चपेट में है। सर्द हवाओं ने इन इलाकों में ठिठुरन काफी बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को हुई भारी बर्फबारी के बाद आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। प्रदेश में 500 से अधिक सड़कें बंद पड़ी है। सिर्फ शिमला जिले में ही 303 सड़कों पर यातायात ठप है। पाकिस्तानी सेना ने इस सप्ताह की शुरुआत में अशांत बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों के शिविरों पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। सेना ने कहा है कि इस अभियान में 20 लोगों को मारा गया है और ये अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो गया। सेना ने बताया है कि बुधवार को नौशंकी और पंजुगुर इलाके में सेना के शिविरों पर हमला किया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने तेजी से कार्रवाई की और उन्हें सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। सेना की मीडिया मामले की शाखा ने बयान में कहा है कि अभियान के दौरान हुई झड़प में 9 सैनिक और 20 आतंकवादी मारे गए हैं। मुंबई की विशेष अदालत ने सीबीआई को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में उनको 2 सहयोगियों के बयान दर्ज करने की इजाजत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने देशमुख, उनके सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। कर्नाटका के उड़प्पी शहर में हिजाब विवाद को लेकर मामला तुलपकड़ता जा रहा है। बता दें कि उड़प्पी में कुछ कॉलेज ने मुस्लिम छात्राओं की कक्षा में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। इसके खिलाफ ही कांग्रेस विधायक कनीत फातिमा और उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पिछले महीने उड़प्पी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ने 5 लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास में बैठने पर रोक लगाई थी। इसके बाद से विवाद शुरू हो गया था। इन लड़कियों द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर 8 फरवरी को सुनवाई होनी है।
देश में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए कई राज्यों ने स्कूल को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। इसमें मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल है। यूपी और दिल्ली में भी कल यानी 7 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। बिहार में स्कूल खोलने को लेकर आज निर्णय लिया जाएगा। हर पढ़े लिखे और युवा को रोजगार मुहैया कराने की राह थोड़ी आसान हो सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अब उच्च शिक्षा से जुड़े सभी कोर्स को कुछ इस तरह डिजाइन कर रहा है जिसमें डिग्री के साथ साथ कौशल का प्रशिक्षण भी मिलेगा। यह उसी कोर्स या क्षेत्र से संबंधित होगा जिसमें छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जैसे सभी स्तर के कोर्स शामिल है। केंद्र सरकार ने बायोलॉजिकल ई को कोरोना रोधी कोर्बोवैक्स वैक्सीन की 5 करोड़ डोज खरीद का ऑर्डर दिया है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि जीएसटी को छोड़कर वैक्सीन की एक डोज की कीमत 145 रुपए होगी। ये 2 डोज की वैक्सीन है और दोनों डोज के बीच 28 दिन का अंतराल होना आवश्यक है। बता दें कि अभी ये तय नहीं है कि यह वैक्सीन किस आयु वर्ग के लाभार्थियों को लगाई जाएगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ही दिल्ली एनसीआर में रविवार की सुबह भी घने कोहरे के साथ हुई। विभाग की तरफ से जारी सूचना के आधार पर आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। रविवार और सोमवार को भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश से लेकर बर्फबारी की संभावना है। 8 और 9 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने निजी चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालय में 50% सीटों के संबंध में फीस और अन्य सभी शुल्कों के निर्धारण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने दिशा निर्देश जारी करते हुए शनिवार को बताया है कि नवीनतम दिशा निर्देश में कहा गया है कि निजी मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों की फीस अब किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर होगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार के उस फैसले को सही ठहराया है जिसके तहत राज्य के सभी मदरसों यानी कि सरकार द्वारा वित्त पोषित को सामान्य स्कूल में बदलने का आदेश दिया गया था। राज्य सरकार ने यह आदेश असम रिपलिंग एक्ट 2020 के तहत दिया था जिसे हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सरकारी मदरसे मजहबी शिक्षा नहीं दे सकते। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि पर अपने सैद्धांतिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने का आरोप लगाया है। राज्यपाल ने राज्य के नीट विरोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र के पास अग्रसित नहीं किया। स्टालिन की अगुवाई में हुई बैठक में पार्टियां ध्वनिमति से विधेयक को दोबारा राज्यपाल के पास भेजने पर सहमत हुई। इस विधेयक में तमिलनाडु को नीट से बाहर रखने का प्रस्ताव किया गया है। बैठक में अन्नाद्रमुक और भाजपा ने भाग लिया है। यूट्यूब वीडियो के जरिए सेलिब्रिटी बने हिंदुस्तानी भाव को आज मुंबई स्थित बांद्रा में मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया जहां पर हिंदुस्तानी भाव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तान भाव को 1 फरवरी को कक्षा 10वीं और 12वीं छात्रों को ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाओं के विरोध में उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के शमशाबाद में 11वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्विटी का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामानुचार्य और के जीवन और उनके संदेश का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वो बराबरी पर भरोसा रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सरकार की योजनाओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार सभी को बराबरी का अधिकार दे रही है। हम ऐसी कई योजनाएं लेकर आए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राहुल गांधी ने प्रदेश की जनता से 4 बड़े वादे किए थे। उन्होंने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर के लिए 500 रुपए से अधिक का भुगतान नहीं करना होगा। साथ ही कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उत्तराखंड के कम से कम 5 लाख परिवार को हर महीने 40,000 रुपए दिए जाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए शनिवार को एयरपोर्ट नहीं पहुंचे जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं। हालांकि राव ने एयरपोर्ट पर अपनी अनुपस्थिति के लिए खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया और बताया कि वो नहीं आ सके, लेकिन भाजपा और कांग्रेस को उनका ऐसा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त लगा। साल के दूसरे महीने का 6ठा दिन ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार साल का 37वां दिन है। बाकी तमाम दिनों की तरह ये दिन भी इतिहास में कई अच्छी बुरी घटनाओं का साक्षी रहा है। यही वो दिन है जब एलिजाबेथ द्वितीय ने 1952 में ग्रेट ब्रिटेन का सिंहासन संभाला था। 6 फरवरी को विश्व में कई महान विभूतियों ने जन्म लिया। सीमांत गांधी ने भी के नाम से पुकारे जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 1890 में 6 फरवरी को हुआ था, जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के खासे लोकप्रिय रहे रोनाल्ड रेगन का जन्म भी 1911 में 6 फरवरी के दिन हुआ था। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल रैली के माध्यम से उत्तरी गोवा के 20 विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों और पार्टियों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रैली का प्रसारण 20 चुनावी क्षेत्रों में हर एक में चिन्हित स्थानों पर एलईडी स्क्रीन पर किया गया। रैली में भाजपा के केंद्रीय और गोवा के नेताओं के अलावा प्रत्येक स्थान पर लगभग 500 लोग शामिल हुए।
दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी BMW बहुत जल्द अपनी टूरिंग बाइक की रेंज पेश करेगी। BMW ने इस टूरिंग मोटरसाइकिल रेंज के लिए प्री बुकिंग भी स्टार्ट कर दी है। कंपनी 2022 में कई बाइक्स को लॉन्च करने का प्लान कर रही है। इसमें BMW के 1600 GTL, BMW R1250 RT, BMW के 1600 बैगर और BMW के 1600 गियर अमेरिकी शामिल है, जिन्हें इस साल मई में लॉन्च किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सिवाल खास विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंची भाजपा की स्टार प्रचारक पहलवान बबीता फोगाट को शनिवार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि इस दौरान RLD समर्थकों ने बबीता फोगाट के काफिले को घेर लिया। लाठी डंडे से लैस दर्जनों RLD समर्थकों ने बबीता फोगाट के काफिले में शामिल गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पथराव किया। इस मामले में भाजपा नेताओं ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने इस घटना को दो राजनीतिक दलों के समर्थकों में मारपीट का मामला बताया। उसने बबीता फोगाट पर हमले से इनकार किया। मथुरा के बलदेव विधानसभा क्षेत्र के पंडित दीनदयाल धाम फरह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी और योगी जी की सरकारें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि आज भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को कोई ताकत डिगा नहीं सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि समाज की अंतिम पीढ़ी में उत्थान के लिए दीनदयाल जी की सोच के अनुसार काम सरकार कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर गुरुवार को हुए हमले के बाद मोदी सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। इस हमले में ओवैसी बाल बाल बचे थे। हमलावरों की गोलियां उनकी कार में लगी थी। इस हमले के दो आरोपी गौतम बुद्ध नगर के सचिन और देवबंद सहरानपुर निवासी शुभम को हापुड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी सचिन ने कबूला है कि वो ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं के भाषण से नाराज था। चीन की शी जिनपिंग सरकार को पूर्वी लद्दाख के गलवान हिंसा का राजनीतिकरण करना कूटनीतिक स्तर पर महंगा पड़ा है। भारत ने गलवान हिंसा में शामिल PLA के कमांडर को बीजिंग विंटर ओलंपिक का मशाल वाहक बनाए जाने का को अफसोसजनक करार दिया है। ओलंपिक खेल का कूटनीतिक बॉयकॉट कर दिया है तो दुनिया के तमाम अन्य देश ने भी मानवाधिकार समेत अन्य मसलों पर समारोह में अपने राजनयिकों या फिर अधिकारियों को सहभागिता से इनकार कर दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संजय सैमी, नुनु कुमार, प्रिया यादव, अदानी अफसर, मुकेश कुमार, अंजलि जी, जीतू सिंह, जितेंद्र ठाकुर, अजय सिंह, पल्लवी कुमारी, तेज प्रसाद उप्रेते। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार रोहित शर्मा विराट कोहली से बेहतर कप्तान साबित हो पाएंगे या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।